रिया चक्रवर्ती ने कल के इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे को भी कई बातें कही हैं। जी हाँ, बात की जाए अगर अंकिता की, तो जब अंकिता ने इंटरव्यू दिया था उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत जब तक मेरे साथ है, यानी कि 2016 तक वो किसी भी डिप्रेसिंग स्टेट में नहीं थे, किसी भी डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कल के इंटरव्यू में कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं अंकिता लोखंडे के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि रिया का कहना है कि अंकिता के फ्लैट का वो यू नो ईएमआई भरते थे, तो अगर मुझे पता होता, अगर मैं कंट्रोल कर रही होती तो मैं सबसे पहले वो बंद कराती। उसके बाद रिया ने कहा कि अंकिता और सुशांत जो है इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी या फिर ये 4 साल तक टच में नहीं थे। रिया के कल के इंटरव्यू से इस बात का जरूर पता चल गया कि जिस तरीके से कई लोग जो है वो गलत अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, वैसे ही रिया भी उनमें से एक है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा कि उनकी सुशांत के साथ कोई बातचीत थी या वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ टच में थी। अंकिता ने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था मणिकर्णिका के इंटरव्यू के टाइम पर, और वो बात ही अंकिता ने क्लैरिफाई कर दी थी। उसके अलावा 4 साल तक वो बिल्कुल भी सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थी, ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के इस स्टेटमेंट को अंकिता लोखंडे ने इन रिटर्न क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पर भी रिया के नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। अंकिता ने एक स्टेटमेंट जारी किया कल रात को रिया के इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया, मैंने अपने ईएमआई की बैंक जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर 1 साल की दिखाई है कि पिछले 1 साल से मेरे ही अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। उसके अलावा अंकिता ने भी कहा कि मैंने किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी इस बात को कहा ही नहीं है कि मेरे और सुशांत के बीच में कोई जानकारी थी या 4 साल तक हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंकिता ने यह भी कन्फर्म किया कि मैं जितना सुशांत को जानती हूँ, और मैं 2016 तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, तो 2013 से लेकर 2016 तक जिस तरह का रिया दावा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत 2013 में एक डिप्रेसिव एपिसोड का शिकार हुए थे, उसके बाद से वो एंजाइटी होती थी, उन्हें गोलियां लेते थे, ये सारी बातें मैं इन बातों को डिक्लाइन करती हूँ, क्योंकि मैं 2013 से लेकर 2016 और उससे पहले भी, इनफैक्ट 2016 तक मेरा रिश्ता था सुशांत के साथ, और इस बीच में मैंने कभी सुशांत सिंह राजपूत को कोई दवाई लेते हुए नहीं देखा, कोई एंजाइटी अटैक्स नहीं होते थे उन्हें, कोई डिप्रेशन नहीं था। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अंकिता ने ये कहा कि मैंने फैमिली के साइड से सब सुना है, फैमिली के साइड से मैंने प्रूफ्स देखे हैं चैट्स के, जहां पर वो रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रिया पर उकसाए जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के साथ थी, और फैमिली के सपोर्ट में ही खड़ी रहूँगी। इस तरह का एक ब्लंट कन्फ्रंटेशन दे दिया है अंकिता लोखंडे ने, और अंकिता शुरू से ही अपने स्टैंड पर क्लियर रही हैं, ना कि लाइक रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया जो बातें कल कह रही थी, ये आई थिंक पूरा देश ही इस बात को जानता है कि अंकिता की तरफ से जो वो बातें कह रही थी वो बातें गलत थी, क्योंकि रिया को शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी अंकिता की बातों की। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। महेश भट्ट के साथ अपने कॉन्वर्सेशन पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है रिया चक्रवर्ती ने। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। अपना क्लैरिफिकेशन देते वक्त उन्होंने कहा कि क्या मेरा कोई गाइड नहीं हो सकता, क्या मेरा कोई वेलविशर नहीं हो सकता। मैंने भट्ट साहब से जो बातचीत की है वो सिर्फ एज अ वेलविशर बातचीत की है। अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, बताऊँ अगर आपको तो सुशांत जिस दिन सुशांत के घर को छोड़कर रिया गई, यानी कि 8 तारीख को रिया ने इंटरव्यू में कहा, और वो लगातार कह रही हैं कि सुशांत ने मुझे कहा कि तुम जाओ, सुशांत ने मेरे से जिद की कि मैं घर छोड़कर जाऊं, जिस रीज़न से मैं अपना सामान वामान सब कुछ लेकर सुशांत के घर से चली गई। क्योंकि यहाँ पर सामान का डिस्कशन नहीं आया था, लेकिन मैं ज़रूर लाना चाहूँगी इस बात का डिस्कशन कि अगर आपको सुशांत ने कहा था कि आप कुछ दिन के लिए चली जाओ, तो फिर आप अपना पूरा सामान लेकर क्यों चली गई सुशांत सिंह राजपूत के घर से। दूसरा सवाल कि रिया ने कहा कि मैं सुशांत के कहने पर ही घर छोड़कर गई थी, और फिर जब मैं चली गई उसके बाद मुझे काफ़ी बुरा लगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस बात का उठता है कि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट साहब को ये मैसेज किया है दैट योर कॉल वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी, आई कैन फाइनली सी द लाइट, अब मुझे फाइनली रोशनी नज़र आ रही है, और वेकअप कॉल था आपसे बात करना, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में एक वजूद मिल रहा है आपसे बात करके। जहाँ पर महेश भट्ट ये कहते नज़र आते हैं कि इस चीज़ को अपनी लाइफ में इतना अफेक्ट मत होने दो, यू नो या माई चाइल्ड, और इस तरह की बातें, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि अगर रिया को निकाला गया था तो फिर वो इस तरह से क्यों कह रही हैं महेश भट्ट साहब को कि
आपके कॉल से मुझे वेकअप कॉल मिला है, मुझे हिम्मत मिली ये स्टेप लेने की, यानी कि उसके घर से निकलकर आने की। और ये चैट्स है 8 जून की। अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि उस चैट से सुशांत का कोई लेना देना ही नहीं है, वो इन जनरल मैं लाइफ की बातें कर रही थी, जहाँ पर महेश भट्ट जो है वो मेरे अच्छे गार्डियन है, एक आइडल है, एक गाइड है इंडस्ट्री में, तो वो जो है मुझे बीच बीच में ऐसे स्पिरिचुअल थॉट्स, ऐसे फिलोसफिकल बातें वो मुझे बताते रहते हैं, जिससे मेरी जिंदगी को मार्गदर्शन मिलता है, इस तरह की बातें रिया चक्रवर्ती ने कही। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सीबीआई इन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि ये जो सर्कल घूमकर आ रहा है कि 8 जून को आप उनका घर छोड़कर गई, 8 जून को आपने महेश भट्ट से बात की, महेश भट्ट ने आपको लाइट दिखाई, अंधेरे में आपको एक रोशनी का सहारा दिया महेश भट्ट ने, उनका कॉल आपके लिए वेकअप कॉल था, लेकिन फिर आप कहती हैं कि सुशांत ने मुझे लेकर निकाला घर से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉन्ट्रास्ट है, प्रूफ्स बहुत कॉन्ट्रास्ट है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, ये आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। देश के ब्रेव एयरफोर्स पायलट्स पर एक ब्रेव कहानी लेकर ब्रेव तेजस आ चुकी है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। कंगना रनौत स्टारर तेजस का पोस्टर आउट हो गया है, एंड आई मस्ट से कंगना इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, और अनलाइक अदर पोस्टर्स जहाँ पर सिर्फ एक क्लोजअप दे दिया जाता है, बट कंगना के फेस पर एक वो चार्म, एक वो ऑरा, एक वो देशभक्ति के लिए जुनून, वो सारी चीज़ें इसे एक पोस्टर में नज़र आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है तेजस, ये दिसंबर में टेक ऑफ करने वाली है, इस तरह का कैप्शन डाल दिया है रंगोली ने भी शेयर किया है, और कंगना ने भी शेयर किया है पोस्टर, एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग पोस्टर है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो फिल्म है ये दिसंबर में टेक ऑफ करने वाली है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये RSVP के जरिए आ रहा है, RSVP इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रॉनी स्क्रूवाला भी इस प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो है हमेशा से ही पावर पैक फिल्म्स करती नजर आई हैं, और इस वक्त इस फिल्म का अनाउंसमेंट करना बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा जुड़ गई हैं। कंगना की इस परफॉर्मेंस के लिए लोग ईगली वेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी होने वाली है जहां पर आपको एयरफोर्स की किस तरह की लाइफ होती है, क्या कुछ एक यू नो बैकग्राउंड स्टोरी होती है एयरफोर्स पायलट्स की, किस तरीके से वो ऐसे टफ से टफ सिचुएशन में भी हमारे देश की सेवा करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी पर बहुत फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ एक आधी ही फिल्में हैं, जैसे गाजी अटैक जो कि नेवी पर था, लेकिन अब एयरफोर्स पर एक फिल्म बनने जा रही है। सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। क्या कुछ आपकी राय है इस पोस्टर को लेकर, आपको पोस्टर कैसा लगा कंगना रनौत की फिल्म तेजस का, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सलमान खान के फैंस के लिए है आज खुशी का दिन, ऐसा क्यों ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दो आपको कि सलमान खान का आज इंडस्ट्री में, सलमान खान को 32 इयर्स पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 30 से भी ज़्यादा, यानी कि 32 ऑफ कोर्स 32 इयर्स पूरे हो चुके सलमान खान को, एंड हर सलमान खान फैन इस वक्त खुश है। मैं बता दूं आपको कि सलमान ने अपने करियर की शुरुआत की थी मैंने प्यार किया, ये आपकी गलतफहमी है, मैंने प्यार किया वॉज नॉट द फर्स्ट फिल्म। सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी बीवी हो तो ऐसी से। जी हाँ, बीवी हो तो ऐसी में रेखा जी थी, और उस फिल्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो उस फिल्म में सलमान खान का एक छोटा सा रोल था, देवर का रोल था रेखा जी के, लेकिन उस फिल्म के बाद सलमान की करियर जो है वो स्टार्ट हुई, और मैंने प्यार किया वॉज द फर्स्ट मेन लीड फिल्म जो उन्होंने की, और तब से लेकर अब तक जो सिलसिला चलता आया है लोगों का प्यार सलमान के लिए सिर्फ बढ़ता आया है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि बीच में एक फेज ऐसा भी था जो कि हर एक्टर के करियर में आता है, जहां सलमान की हर फिल्म ऑलमोस्ट फ्लॉप हो रही थी, चाहे वो वीर हो या फिर यू नो फिल्म्स लाइक युवराज हो, इस तरह की फिल्में मैं और मिसेस खन्ना, इस तरह की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन फिर एक वक्त आया, वांटेड वो फिल्म थी जिसने सलमान के करियर को एक वापस से एक यू नो टर्न दिया। सो टर्निंग पॉइंट सलमान के करियर का वांटेड थी। वांटेड के बाद से लगातार फिल्में जो है सलमान की हिट होती आई हैं, और ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। मैं आपको बता दूं कि अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, हाल ही में सलमान ने ऑफकोर्स दबंग 3 रिलीज की, दबंग 3 वॉज अ एवरेज हिट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बात की जाए अगर फ्यूचर फिल्म की, तो फ्यूचर ऑफकोर्स राधे, कभी कभी दिवाली, टाइगर 3, जी हाँ टाइगर का 3rd एडिशन, ये सारी फिल्में टाइमलाइन पर हैं, और ये सारी फिल्में बहुत जल्द रिलीज होने की कगार पर हैं, और शूटिंग शुरू होगी ऑफकोर्स टाइगर 3 की। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सलमान खान के लिए, 32 ईयर्स सलमान कंप्लीट कर चुके हैं इंडस्ट्री में, कमेंट सेक्शन में जाकर बताना ना भूलिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। रिया चक्रवर्ती के बेसलेस एलिगेशंस पर
सबूत के तौर पर रिएक्शन दिया है श्वेता सिंह कीर्ति ने। क्या कुछ कहना है सुशांत की सिस्टर का, चलिए आपको बताते हैं और वो ट्वीट्स भी दिखाते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। श्वेता सिंह कीर्ति ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं विद प्रूफ्स। जी हां, उन्होंने रिया चक्रवर्ती की हर बात को खारिज करते हुए, सबसे पहले तो रिया ने इस तरह की बात कही कि फैमिली के साथ उनका बिल्कुल अच्छा कनेक्शन नहीं था, फादर के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिया ने यह भी कहा कि जब सुशांत चंडीगढ़ गए थे तो फैमिली के साथ उनकी इतनी लड़ाई हुई कि वो दो दिन में ही लौट आए, जिस पर काउंटर बैक अटैक करते हुए श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा कि मैं अपने भाई से प्यार नहीं करती थी, या हम अपने भाई से प्यार नहीं करते थे, हम प्यार करते थे और मैं प्यार करती थी, इसीलिए मैं जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ आ रहे हैं, मैं फटाफट से मैंने अपने बच्चों के एग्जाम्स वगैरह, बच्चों को सबको रख कर मैंने सोचा कि मैं दो दिन के लिए सही लेकिन मैं जाऊँ कम से कम भाई से मिलूँ। और उन्होंने एज अ प्रूफ उन्होंने फ्लाइट टिकट्स भी स्क्रीनशॉट डाला है एज अ प्रूफ कि वो उसी दिन जिस दिन उन्हें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ आ रहे हैं वो पहुंची चंडीगढ़, लेकिन वो मिल नहीं पाई सुशांत से क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही सुशांत वहां से निकल गए। किस लिए निकल गए ये भी उन्होंने लिखा है कि रिया चक्रवर्ती के लगातार बैक टू बैक 25-30 कॉल्स की वजह से सुशांत वॉज प्रेशराइज्ड टू लीव चंडीगढ़ एज सुन एज पॉसिबल एंड वो मुंबई वापस आए बिकॉज उन्हें आइसोलेट किया जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि फैमिली जो है वो हमेशा साथ रही है सुशांत के और हमेशा प्यार किया है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, सो डेयर एनीवन पॉइंट एनी फिंगर एट फैमिली। और सिर्फ इतना ही नहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने यह भी लिखा कि रिया जो बातें कर रही हैं कि क्यों नहीं बताया फैमिली को अगर मैं आइसोलेट कर रही थी, तो श्वेता सिंह कीर्ति ने इस बात का भी खुलासा किया कि जनवरी में ही भाई ने यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने जनवरी में ही रानी दी जो कि सबसे बड़ी दीदी हैं उनको कॉल करके बता दिया था दैट ही इज बीइंग ड्रग्ड, ही इज बीइंग आइसोलेटेड एंड उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इस बात को सुशांत ने खुद ही बता दिया था और इसीलिए वो चंडीगढ़ आना चाहते थे, लेकिन रिया के बैक टू बैक कॉल्स की वजह से सुशांत को वापस लौटना पड़ा। सो इस तरह की सारी रेवोल्यूशंस कर दी है और रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट्स को बैक स्लैम कर दिया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, यह आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।